आप सभी दोस्तों का एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम हैं आपको लेकर मुंबई जुहू चौपाटी। इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे फिल्मी सितारों के घर लेकर जाने वाले हैं जैसे कि आप हमारे साथ में डोर टू डोर बाइक से दोस्तों आप उनके घर तक किसी से बगैर पूछे आप खुद ब खुद चले जाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में फिल्मी सितारों के घर घूम रहे हैं। ये हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है जुहू चौपाटी से क्योंकि जुहू चौपाटी बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। यहां से हर फिल्मी सितारों के घर हम आपको आज इस वीडियो में लेकर जाने वाले हैं। ये है JW मैरियट होटल, यहां का सबसे महंगा होटल दोस्तों। इसके पश्चात जो रास्ता हम बताते जा रहे हैं आप बस देखते जाइए और फिल्में सितारों के घर हम आपको दिखाते जाएंगे। ये आ चुका है जुहू होटल दोस्तों, ये आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जुहू होटल। जुहू का जुहू होटल बहुत ही पुराना होटल है और ये लेफ्ट साइड में दोस्तों ये वी होटल है, ये आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वी होटल है। और ये चौराहा जो आ रहा है यहीं से हमें राइट लेना है। यहाँ से राइट लेने के पश्चात जैसे ही राइट लेते हैं इसके पश्चात हमारे बिग बी, जी हाँ दोस्तों हमारे दूसरे कोहिनूर, भारत के दूसरे कोहिनूर का घर यहाँ पर आ जाता है। ये है जलसा श्री अमिताभ बच्चन साहब का घर। अगर आप यहाँ पर आकर उनसे मिलना चाहते हैं तो संडे के रोज शाम को 5 बजे दोस्तों वो बाहर पब्लिक से मिलने के लिए निकलते हैं। आपकी किस्मत होगी तो दोस्तों आप संडे के रोज शाम को 5 बजे यहां पर आकर आप उनसे मिल सकते हैं। ये है जलसा श्री अमिताभ बच्चन साहब का घर और ये यहां की खूबसूरत, यहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन यहां पर निवास करते हैं। ये वी होटल से देख लीजिए बिल्कुल चौराहे पर ही ये घर जो है बिल्कुल चौराहे के बिल्कुल करीब में ही है, वी होटल के पास में ही। ये जलसा को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों और बहुत ही मेहनत करने के पश्चात दोस्तों श्री अमिताभ बच्चन साहब ने ये बंगलोज बनाए हैं। 3-4 बंगलोज हम आपको दिखाएंगे आज, तो चलिए इसके पश्चात हम आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों जय का घर आपने देख लिया, वीरू का घर। सीधे सीधे चलते जाना, एक बस स्टॉप आएगा, बस स्टॉप के साइड से ही हमें लेफ्ट मुड़ना है, पहला ही लेफ्ट वो आता है और बस अमित जी के घर के पीछे ही मैन, जी हाँ दोस्तों धर्म जी, जिन्हें धर्म जी फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं, आप सभी लोग धर्मेंद्र के नाम से उन्हें जानते हैं। तो हम आपको लेकर जा रहे हैं धर्मेंद्र के घर। चुन चुन के दोस्तों आप सारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने सितारे हैं ये आप ये रास्ता देखते जाइए। अमित जी के घर की पीछे वाली रो में ही दोस्तों धर्मेंद्र जी का घर है। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं, यहीं पर सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी यहीं पर निवास करते हैं। हालांकि धर्मेंद्र जी तो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस पर ही ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि वहाँ की आबोहवा बहुत ही खुली है और इन्होंने भी बड़ी ही मेहनत के पश्चात दोस्तों ये जुहू में घर लेना कोई खाने का काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के पश्चात ऐसा घर नसीब होता है मुंबई शहर में दोस्तों। घर नहीं है, पूरा बंगलो है और यहीं पर बॉबी देओल, सनी देओल अपनी फैमिली के साथ में यहां पर निवास करते हैं। और इसके पश्चात हम आपको इनके घर के पास में ही दोस्तों जो जो भी घर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें राइट लिया और राइट लेते से ही दोस्तों ये आप धर्म जी का, धर्मेंद्र जी का घर आप देख रहे हैं और इसी के जस्ट सामने, जी हाँ दोस्तों ये अजय देवगन और काजोल का सपनों का घर शिव शक्ति यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसका रिनोवेशन चल रहा था और बस ये बनकर तैयार हो चुका है और अजय देवगन यहाँ पर बहुत ही जल्द शिफ्ट होने वाले हैं। और ये सामने ही धर्मेंद्र का घर है और जस्ट इसके आगे चलते से ही हमें राइट लेना है और ये हम आपको लेकर चल चुके हैं। और ये जैसे ही राइट आप लेते हैं दोस्तों इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज, जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिन्होंने शाहरुख खान की लाइफ बनाई,
जी हाँ दोस्तों, यश राज। जी हाँ, यश चोपड़ा और बीआर चोपड़ा दोनों भाई भाई रहे हैं दोस्तों, और उनके बेटे को आप देख सकते हैं। और इसी रो में अब हम आपको आगे लिए जा रहे हैं, और दोस्तों यश जी के घर से ही सीधे आगे चलते चले जाना है, और उसके पश्चात हम आपको लेकर जाएंगे आप सबकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के घर। ये हम आपको ये रोड पर लेकर आए हैं, थोड़ा सा लेफ्ट लेकर और सीधे ही वापस हम आपको लेकर जा रहे हैं। जुहू बस स्टैंड के पास में ही दोस्तों हेमा मालिनी जी का घर है, तो ये चलिए हम आपको हेमा मालिनी जी के घर पर लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आप हमारे साथ में एक एक फिल्मी सितारों के घर घूम रहे हैं। आप खुद भी जाएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, और आप इनके घर में पैदल वॉक करते हुए आप पहुंच जाएंगे। बाइक से हमने इसलिए ट्रेवल किया ताकि आपको फिल्मी सितारों के घर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े और आप इनके घर पहुंच सकते हैं। नहीं तो मुंबई शहर में ऑटो रिक्शा वाले बहुत ही बेवकूफ़ बना देते हैं दोस्तों, और आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और इसके पश्चात दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं हेमा मालिनी जी के घर के पास से ही ये राइट लेना है। राइट लेने के बाद में दोस्तों, जी हाँ, डैनी डेंजप्पा का मकान आप सामने ये देख सकते हैं, जिन्होंने कातिया की भूमिका निभाई थी घातक फिल्म में, और बहुत ही अच्छे विलन रहे हैं दोस्तों। कुर्बानी फिल्म भी आपने देखी होगी, बहुत ही पुराने और अच्छे कलाकार ये रहे हैं डैनी डेंजप्पा। जी हाँ दोस्तों, ये आप पूरा आप ये देख लीजिए, और इसी के जस्ट आगे अब हम आपको लिए चलते हैं, जी हाँ, अमित जी का, जिसमें अमित जी निवास करते हैं, प्रतीक्षा। सभी लोगों को प्रतीक्षा होगी कि एक तो जलसा है और एक प्रतीक्षा, ये बहुत ही फेमस बंगले हैं। हालांकि जुहू में अमित जी के 5-6 बंगले हैं, और मेन ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर वो निवास करते हैं। तो चलिए रोक कर साइड में गाड़ी को लगा कर हम यहाँ का फिल्मांकन आपके लिए करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रतीक्षा को यहीं पर अमित जी वॉकिंग टॉकिंग एंड लाफिंग करते हैं, और बहुत ही पुराना बंगलो है और वाकई बहुत ही खूबसूरत ये बनाया हुआ है दोस्तों। उनके पिताश्री भी यहाँ पर एक ज़माने पहले श्री हरिवंश राय बच्चन भी यहीं पर रहा करते थे, और इसीलिए अमित जी ने इस बंगले को हू बहू उनकी याद में दोस्तों यहाँ पर ये रखा हुआ है। और अमित जी ज़्यादातर इसी बंगले पर शाम को 5 बजे यहाँ पर मुलाकात करते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर अमित जी और जया बच्चन जी यहाँ पर निवास करते हैं, और शाम को 5 बजे संडे के रोज़ यहाँ पर लोगों से दोस्तों मिलने के लिए बाहर निकलते हैं, और बड़ा ही पूरी रोड पूरी जाम हो जाती है शाम के वक्त। और इसी बंगले से अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, और ये पूरा जुहू का अपोजिट साइड में इस बंगले के पूरा ये हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ये रामायणा, जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का घर, यहीं पर दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी है, उनकी बेटी, जी हाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने करी है, जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा इसी बिल्डिंग में निवास करते हैं। पूरी बिल्डिंग दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा साहब की है, और इन शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बेटों का नाम है लव और कुश। और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जी हाँ, फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ये अनिल कपूर साहब का घर है। रामायण के जस्ट 8 नंबर रोड पर आप आगे जाएंगे तो जैसे ही तो ये अनिल कपूर साहब का घर आप किसी से भी पूछेंगे तो यहाँ पर अनिल कपूर साहब निवास करते हैं। अब हम आपको इसके पश्चात रामायणा की लोकेशन एग्जैक्ट बताते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं इन घरों पर। तो इसके बाद में अब हम आपको लेकर आए हैं शेट्टी टावर। जी हाँ दोस्तों, ये जो चुराया है दोस्तों यहाँ पर आपने महमूद, हास्य कलाकार महमूद साहब का नाम तो आप सभी
लोग परिचित होंगे। ये हास्य कलाकार महमूद साहब का चौक है और ये सामने की बिल्डिंग में आप ये रोहित शेट्टी की बिल्डिंग ये आप ये देख सकते हैं। रोहित शेट्टी की इस बिल्डिंग के जस्ट आगे ही रामायणा है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का घर, और उसके जस्ट आगे ही अनिल कपूर साहब का घर है। और ये चौराहा दोस्तों हास्य कलाकार महमूद साहब चौक के नाम से जाना जाता है। और इसके पश्चात हम आपको लिए चलते हैं, जी हाँ दोस्तों, अक्की अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार के घर, जो कि बिल्कुल जुहू बीच पर स्थित है। ये सामने आप ये देख सकते हैं दोस्तों, नोवेटल होटल के जस्ट साइड में ही ये बिल्डिंग स्थित है। इस बिल्डिंग को आप गौर से देख लीजिए, और इसी में फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर अक्षय कुमार रहते हैं, थर्ड फ्लोर पर ऋतिक रोशन रहते हैं। और ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर दोस्तों अक्षय कुमार ने पूरे दो फ्लैट इस बिल्डिंग में ले रखे हैं, और यहीं पर दोस्तों वो सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह यहाँ पर किया करते हैं। चलिए अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लगता है इनकी बिल्डिंग का, और नाम क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। और ये पूरी बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं, अक्षय कुमार की खूबसूरत बिल्डिंग। यहीं पर साजिद नडियाडवाला भी फिफ्थ फ्लोर पर यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, और जो कि प्रोड्यूसर हैं। और इनकी बिल्डिंग का नाम दोस्तों अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम ये आप ये देख सकते हैं, प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1। बहुत ही आप गूगल में भी आप डालेंगे तो वापस आप इस जगह पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए वापस से जूहू चौपाटी आपको लिए चलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर कलाकार के घर आप खुद जा सकते हैं। पूरा सर्किल में दोस्तों पूरा जूहू का हमने आपको ये पूरे फिल्मी सितारों के घर दिखाए, और ये एंड में हम आपको लेकर आ चुके हैं ये जुहू चौपाटी की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं। यहाँ से बांद्रा वर्ली सीलिंग की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों ये लगता है। और जब भी आप मुंबई शहर में आएँ तो आने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।